हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजी एजुकेशन। आज हम बात करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के बारे में। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसेस 2019 से रिलेटेड स्पेशल जो हमने सीरीज चलाई है डे वाइज, उसमें आज हम बात करेंगे भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017। ये वो सीरीज है जिसमें सभी महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं जिनका पेपर में आना ही आना निश्चित है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन कुछ पर्टिकुलर हिस्से ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन हर बार बनते हैं, और प्रीवियस ईयर के आधार पर मैंने इसमें वो सभी क्वेश्चन शामिल किए हैं जो इस आगामी परीक्षा में आने के लिए पूरी तरीके से, पूरी तरह निश्चित रूप से आने के लिए रेडी हैं। तो बात करते हैं हम आज के वन स्थिति रिपोर्ट की। सबसे पहले पृष्ठभूमि की समझते हैं। देखिए, भारतीय वानिकी का पिता, ये भी पहला क्वेश्चन पूछा गया है और हो सकता है इस बार भी पूछ ले। तो भारतीय वानिकी का पिता ड्रेचिस बैंडिस को कहा जाता है। पहली राष्ट्रीय वन नीति जो प्रकाशित की गई थी ब्रिटिश काल में, वो थी 1894, और जब भारत आज़ाद हो गया तो पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में तैयार हुई थी। स्टार्ट, अगर आपको पता हो तो कल हमने डे टू में जनसंख्या 2011 से रिलेटेड जितने भी आंकड़े थे उसको हमने डिस्कस किया था, और हमने बताया था कि पहली बार आज़ाद भारत में कब जनसंख्या पहली बार काउंट हुई थी। तो आपको उसका आंसर बताना है। अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप निश्चित रूप से आंसर बता लेंगे। तो ये जो राष्ट्रीय वन नीति है, ये आज़ादी के बाद 1952 में तैयार की गई थी। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक आधार पर, हर दो सालों में एक बार जो है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट होता है आती है, ये हर साल नहीं आती है। इसीलिए जो 2019 में हम पढ़ रहे हैं वो 2017 की ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो 2017 है ये दो साल पे ही आएगा। अब नेक्स्ट जो आएगा वो 2019 के लिए आएगा, और जो कि 2021 में आएगा। तो बात करते हैं 1987 से ये प्रकाशित किया गया है द्विवार्षिक आधार पर। इस श्रृंखला की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 जो हुई है, ये हमारी 15वीं रिपोर्ट है। आज़ादी के बाद पहली बार कब तैयार हुई थी ये रिपोर्ट, तो वो 1952 में तैयार थी। तो ये था बेसिक पृष्ठभूमि। अब बात करते हैं हम आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उससे रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 को किसने जारी किया। तो ये 2017 की जो रिपोर्ट है वो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे जारी किया था। दुनिया वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया के किस स्थान पर है दुनिया के देशों में? तो वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो रिपोर्ट है, हम शीर्ष 10 देशों में तो हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हमसे ऊपर के जो 9 देश हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो वो 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में ये जो आंकड़ा है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है। तो चैलेंज होने के बावजूद भी हम अपने आप को टॉप 10 देशों में रख पा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। बहुत ही मुश्किल होती है जब जनसंख्या ज़्यादा होता है तो ऐसे रिपोर्ट में टॉप 10 में शामिल होना वाकई में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम फिर भी अपनी स्थान को बनाए हुए हैं। देखिए, भारत के भूभाग का, जितनी भी भारत की जो ज़मीन है उसका 24.4% हिस्सा जो है वो वनों और पेड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन जो हमारा जो डिज़ायर्ड है वो 33% होना चाहिए। अभी हम कम हैं लेकिन हम अपने आप को पूरा करेंगे, और हर रिपोर्ट के आधार पर अगर हम देखें तो हर बार हर रिपोर्ट में हम बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और अगर हम इस अपनी भारत की भूमि जो वन क्षेत्र है, अगर उसको पूरे विश्व की भूमि पर बात करें तो उसका 2.4% का हिस्सा हमारा वन भूमि है। अच्छा, देखिए, आपको ये भी मैंने बताया था कि भारत में जो मनुष्य का, भारत की जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% है, और जो जानवर हैं वो 18% जो है वो पूरे विश्व के जानवरों का है। तो इसके बावजूद हमारा जो भूभाग जो का एरिया है जिसमें वन क्षेत्र हैं वो केवल 22.4% ही है। नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट बनता है कि देश, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में वन और वृक्षारोपण की स्थिति में 2015 की तुलना में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो 8021 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। 2015 में जो रिपोर्ट आई थी और उसके अगर आधार पर हम बात करें तो
हमारी जो वन भूमि है उसमें 8,021 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। अब इसमें ये भी है कि 6,778 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि वन क्षेत्रों में हुई है, जबकि वृक्षावरण से जो क्षेत्र हैं वो उसमें जो वृद्धि हुई है वो 1,243 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, इसमें बात ध्यान देने वाली है, ये वन क्षेत्र और वृक्षावरण क्षेत्र क्या है। देखिए, वन क्षेत्र वो स्थान होते हैं जिसको हम जंगल कहते हैं, जहाँ इंसान निवास नहीं करते हैं और वो घने वन होते हैं, तो वो उसकी वृद्धि तो ऑब्वियस है ज़्यादा हुई है, लेकिन चूंकि हमारे देश की जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए वृक्षावरण क्षेत्र में भी वृद्धि तो हुई है लेकिन कम हुई है, जो कि सेटिस्फाइड है, उसको हम सेटिस्फैक्शन की श्रेणी में डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य से। तो देश में कुल वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र जो अगर किलोमीटर बात करें तो वो कितना है, तो वो है 8,02,088 वर्ग किलोमीटर। इस इतने एरिया में टोटल वन और वृक्षावरण क्षेत्र हैं। भौगोलिक क्षेत्र की अगर क्षेत्रफल में वन और वृक्षावरण क्षेत्र का जो हिस्सा है भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब भारत में, तो वो है 24.39। इसको कैसे याद करो, इस तरह से कनेक्ट कर लो, ऑप्शन दिखेगा तो लगाने में आसानी होगी कि 2 2 जा 4 3 3 जा 9। वन है भाई, वन कितना है, 2 2 जा 4 3 3 जा 9, तो पॉइंट में भी आपको याद होना चाहिए, इसलिए आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और अगर हम पूरे विश्व भौगोलिक क्षेत्रों में वनों का हिस्सा की बात करें, अभी वन और वृक्षावरण का हिस्सा था 24.39, और भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत के अगर हम वनों के सिर्फ हिस्से की बात करें तो वो है 21.54%। अच्छा, वनावरण क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, तो वो हुई है 6,778 किलोमीटर की, और वनावरण क्षेत्र में वृक्षावरण क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 1,243 वर्ग किलोमीटर की। और कुल वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्र की अगर हम दोनों को जोड़ दें तो उसमें जो वृद्धि हुई है, तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे 6,778 और 1,243 को, तो टोटल आएगा 8,021 वर्ग किलोमीटर की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, आगे और भी हैं कि अब हम बात करते हैं वृक्षावरण क्षेत्र में जो कौन कौन से राज्यों ने सबसे अधिक वृक्षावरण की वृद्धि की हुई है। तो उसमें टॉप 5 राज्य हैं, उसमें पहला जो राज्य है जो है आंध्र प्रदेश, जिसने सबसे ज़्यादा वृक्षावरण की वृद्धि की हुई है, तो वो आंध्र प्रदेश है, और इसमें 2,141 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता है, तीसरे पे केरल, चौथे पे उड़ीसा और पांचवे पे तेलंगाना। जिसमें ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, बाहर इतनी जोरों की बारिश हो रही है, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, वीडियो में नहीं छोड़ूंगा, बारिश में बाद में देख लूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम वृक्षावरण क्षेत्रों में कमी वाले राज्यों की। तो कमी किन किन राज्यों में हुई है वृक्षावरण में, तो आपको जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है वो है मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय। मेघालय देखिए, ये वही राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स की श्रेणी में रखते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। इनमें कमी हुई है, सबसे कमी कहाँ हुई है, मिजोरम में। तो आपको पता है कमी होने का लॉजिक भी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन था वहाँ पे पहले रिसोर्सेस नहीं थे, तो लोग नहीं रहते थे, और जब लोग नहीं रहते थे तो वन रहते थे। देखिए कितना गलत है, इंसान के साथ वनों का रहना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी जहाँ वन इंसान रहने लगता है अपने आसपास के जंगलों को साफ कर देता है। खैर, ये तो आयरनी है बट ट्रुथ भी है। तो इसीलिए देखिए, अब जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं वहाँ पर भी पेड़ों की कटाई साथ चालू हो चुकी है, और इसी कारण से वनावरण क्षेत्र में जो कमी वाला राज्य है उसमें पहला राज्य है मिजोरम, और ये बाकी 7 सिस्टर्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य हैं सर्वाधिक वनावरण वाले, और उनकी प्रतिशतता की हम बात करें, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से उनका कितना परसेंटेज है। तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा वनावरण क्षेत्र है परसेंटेज में, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है 90.33%। मिजोरम सेकेंड नंबर पर आता है, वो 86.27। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरे पे है, वो है 81.73। देखिए तीन ही है, तीन आप ध्यान दे लो कि लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये परसेंटेज था। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन आपको पता है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, वहाँ बहुत वनों में रहने वाली जो जनजाति होती है वो भी वहीं पे सबसे ज़्यादा है। तो मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा वनावरण वाला राज्य, सेकेंड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। अब कुछ फैक्ट्स जो हमने लाइन वाइज हमने लिखे हुए हैं उसको आप देख सकते हो। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों और वृक्षावरण का हिस्सा, मैंने एक बार फिर से ये रिपीट हो जाएगा, वो है 2 2 जा 4 3 3 जा 9, दैट इज 24.39%। सेकेंड है कि थोड़ा सा बात कही गई है कि ये वनों को बढ़ाना है इसका जो उद्देश्य है, और घने वनों का क्षेत्र बढ़ने से खुले वनों का भी क्षेत्र बढ़ा है, इसमें रिपोर्ट में साफ साफ दिखा हुआ है। तो
रिपोर्ट की ताजा आकलन के अनुसार देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 33% भूभाग वनों से घिरा है। देखिए टोटल भले ही हम 24.39 पे हों, लेकिन अगर आप थोड़े थोड़े अलग अलग राज्यों पे बात करेंगे तो वहाँ पर वनों का भूभाग ज़्यादा है। जैसे कि 15 राज्य देश के अगर टोटल 28, अब तो जब से जम्मू कश्मीर का जो धारा 370 हटा है तो और वहाँ पर उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है, तो अब टोटल 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर हम 28 राज्यों में 15 राज्यों को काउंट करें और केंद्र शासित प्रदेशों को काउंट करें तो उसमें 33% भूभाग में वन से घिरे हुए हैं। और अगर इसमें से ही अगर 7 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर की अगर बात करें, ये वो राज्य हैं जहाँ पर रिसोर्सेज कम है। जैसा मैंने बताया रिसोर्सेज कम तो वन ज़्यादा, तो इन राज्यों की अगर बात करें तो यहाँ पर 75% से अधिक भूभाग वनाच्छादित है। सोचिए कितनी अच्छी हवा होगी वहाँ की। और इसी तरह से अगर हम 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें जैसे त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, केरल, उत्तराखंड, इन सब की बात करें और आसाम की, तो 33 से 75% का वन जो है वो भूभाग जो है वो वनों से घिरा हुआ है। तो ये था कुछ आंकड़े, आगे और आंकड़े भी हैं, ये आपके सामने स्क्रीन में है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बोलने वाला, क्योंकि ये तो वही हुआ कि आप फिर पढ़ते रह जाओ फिर आपको याद भी ना रह जाए। जितना मैंने अब तक डिस्कस किया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और आगे आने वाली एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूर पूछा जाएगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके निश्चित रूप से बनने ही बनने हैं। और इस वीडियो के अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इसी वीडियो के आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर पिंड कमेंट में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और इस वीडियो पीडीएफ को जरूर पा सकते हैं और पूरे वीडियो पीडीएफ को ध्यान से पढ़ सकते हैं। 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और इस सीरीज़ को आप जरूर कंटिन्यू करिए और ये डे वाइज मैंने सीरीज़ जो स्टार्ट की है इस पर आप ज़रूर हमसे जुड़ें। और ये 25 दिनों की सीरीज़ है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो निश्चित रूप से आना ही आना है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और लोगों को शेयर करें, लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल बिकॉज शेयरिंग इज़ गेनिंग। थैंक यू सो मच।